एटेकिस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप 30,000 के प्राइसिंग में कोई सा एक बेसिक कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको चाहिए कि अच्छी खासी फोटोज आ जाए, अच्छी खासी वीडियोज आ जाए, या फिर अगर आपको यूट्यूब के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, रील्स के लिए और शॉर्ट वीडियोज बनाने के लिए कोई सा एक बेसिक कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, तो मैंने आज इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 जो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और लास्ट में मैं दूंगा अपना वर्डिक्ट और ये बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या फिर कौन से कंपनी का स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए और कुछ बोनस स्मार्टफोन के बारे में भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 6। ये जो स्मार्टफोन है ना अपने डिजाइन और कैमरा के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है और 7.59 mm की थिकनेस है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 4300 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती 65 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। और उसके बाद बात करें अगर कैमरा की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है और जो दूसरा कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का जो कि वाइड एंगल शूटर है। और उसमें जो सेंसर यूज किया गया है वो है सोनी का IMX355 वाला सेंसर और जो तीसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और जो सेंसर यूज किया गया है इसमें वो है सोनी का IMX615 वाला सेंसर। इस स्मार्टफोन में आप 4K तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुपर स्लो मोशन पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे इसमें प्रो मोड भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छी वीडियोस और फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो 8+128GB वाला वेरियंट आपको फ्लिपकार्ट पे 29,990 का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो H20। इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है और गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 6.99 mm की थिकनेस है। और अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 30 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला कैमरा। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस जो कि 30x तक डिजिटल जूम कर सकता है। तीसरा कैमरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर जो कि मैक्रो की तरफ भी वर्क करता है। बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है जो कि क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इस स्मार्टफोन में आप 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फुल एचडी पे अल्ट्रा स्लो मोशन पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो 8+128GB रैम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में 27,999 में। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Note 2। ये जो स्मार्टफोन है ना, ये अंडर 30,000 के प्राइस रेंज में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 6.43 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 8.2 mm की थिकनेस है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अगर प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाएगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर। 4500 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 65 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। अगेन इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आने वाला कैमरा और जो इसमें सेंसर यूज किया गया है वो है सोनी का IMX766 वाला सेंसर। 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड शूटर देखने को मिल जाता है और जो तीसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मोनो शूटर। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आने वाला कैमरा देखने को मिल जाता है और जो इसमें सेंसर यूज किया गया है वो है सोनी का IMX615 वाला सेंसर। 4K तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डुअल
गूगल वीडियो मोड और बेटर फोटोग्राफी के लिए इनहेंस्ड AI देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो 8GB प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 29,999 रुपीज में। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M52 5G वाला वेरियंट। इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 7.4mm के थिकनेस है, 173 ग्राम वेट है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें आपको कोई भी 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिल जाता है। बात करें अगर प्रोसेसर की तो इसमें स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम 778 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आता है और One UI 3.1 पे वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 25W के फास्ट चार्जिंग को। ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64MP का वाइड एंगल शूटर और जो इसमें सेंसर यूज किया गया है वो है सैमसंग का ही ISOCELL GW3 वाला सेंसर। दूसरा कैमरा है 12MP का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा है 5MP का मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको 32MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। 4K तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फुल HD पे 240fps तक सुपर स्लो मोशन की वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली बात करें अगर प्राइसिंग की तो 6GB प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 29,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो V23 जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको मिल जाएगी 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले। ये एक 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करने वाली डिस्प्ले है। HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कलर चेंजिंग HD ग्लास देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर थिकनेस की तो 7.39mm की थिकनेस है, 179 ग्राम वेट है और इसमें आपको MediaTek का Dimensity 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 4200mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 44W के फास्ट चार्जिंग को। उसके बाद बात करें अगर कैमरे की तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64MP का, दूसरा कैमरा है 8MP का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा है 2MP का मैक्रो शूटर। और उसके बाद बात करें अगर सेल्फी कैमरा की तो फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50MP का आई ऑटो फोकस वाला कैमरा और जो दूसरा कैमरा है वो है 8MP का वाइड एंगल शूटर। और साथ ही फ्रंट में आपको डुअल फ्लैश का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रिलेटेड मोड्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि डुअल व्यू वीडियो, डबल एक्सपोजर, प्रो मोड, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, फ्रंट डुअल टोन स्पॉटलाइट। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उससे 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30fps तक। एक्सटेंडेड रैम वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बात करें अगर प्राइसिंग की तो 8 प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 29,990 रुपीस का। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ बोनस स्मार्टफोन्स की जो कि हमारी लिस्ट में आते आते रह गए, जिसमें से कि है IQ7 हो गया, Vivo V21, iPhone SE और Google Pixel 4 है। iPhone SE का जो डिजाइन है ना वो आपको थोड़ा सा ओल्डीज देखने को मिल जाएगा, 16:9 वाली डिस्प्ले है। और वहीं दूसरी तरफ Google Pixel 4 है, इसमें भी आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है 12MP का और जो डिजाइन है ना वो भी थोड़ा सा ओल्डीज लगता है। तो अगर आप अंडर 30,000 के प्राइस रेंज में सिर्फ कैमरे वाला कोई सा स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से आप iPhone SE की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको Apple का कोई सा स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको एक प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए और पिक्चर क्वालिटी टॉप नॉच चाहिए तो आप जा सकते हैं गूगल के पिक्सल 4a की तरफ। बाकी अगर आपको वीवो का कोई सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप IQ7 या फिर वीवो V21 की तरफ भी जा सकते हैं। और फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो पर्सनली इन पांचों स्मार्टफोन में से जो स्मार्टफोन को रेकमेंड करूंगा वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M52। अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग कैमरा स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी जितने भी स्मार्टफोन है वो सारे ही वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कैमरा स्मार्टफोन है अंडर 30,000। आप किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं कैमरे के लिए। अगर आपको एक बेस्ट सेल्फी कैमरा चाहिए विद 4K तक की वीडियोस रिकॉर्डिंग के साथ तो आप जा सकते हैं वीवो की V23 के साथ जिसमें आपको फ्रंट में डुअल फ्लैश का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।